स्कूल के बस्तों से जिंदगी के रास्तों तक, क्लास की मस्तियों से जिंदगी की कश्तियों तक, एक राज लिए आ रहा हूं मैं जो आज सबको सुनाऊंगा। काले चश्मे पहन के रखना, खुदा कसम बहुत रुलाऊंगा। मेरा नाम आयन है और कुछ स्टोरी टेलिंग और पोएट्री को मिक्स करने की कोशिश करी है, एक साथ पेश करूंगा आप सबके सामने। तो कुछ इस तरीके से है कि एक लड़की थी भीगी भागी सी, प्यार मुझसे वो करती थी, जानता तो मैं भी सब था लेकिन कहने से वो डरती थी। एक रोज जिद पकड़ी उसने कि बाइक चलाना सिखाऊं उसे। लड़कियां अक्सर बोलती नहीं है लेकिन उनका एक बचपन से शौक होता है कि वो बाइक चलाए। तो एक रोज जिद पकड़ी उसने कि बाइक चलाना सिखाऊं उसे। मना में नहीं कर पाया, कहा जैसा आप कहें मुझे। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, धीरे धीरे दिन बीत गए। बाइक चलानी उसे आ गई और उससे मोहब्बत करना हम सीख गए। फिर एक दिन उसने कहा, बस बहुत हुआ, तुम रोज मुझे घर तक छोड़ के आते हो, आज मैं तुम्हें घर तक छोड़ के आऊंगी, पीछे तुम बैठोगे और बाइक मैं चलाऊंगी। मैंने भी कहा ठीक है और हम घर की ओर बढ़ने लगे। धीरे धीरे स्पीड बढ़ने लगी और हाथ मेरे कांपने लगे। 50, 80, 100, मैंने कहा धीरे करो, चोट तुम्हें लग जाएगी। उसने कहा तुम चिंता मत करो, बाइक चलानी आती है मुझे, तुम बस इतना करो कि मेरे सर से हेलमेट उतार लो क्योंकि कोई बाहर की आवाज नहीं आ रही। ध्यान से सुनना, उसने कहा कि तुम बस इतना करो कि मेरे सर से हेलमेट उतार लो क्योंकि कोई बाहर की आवाज नहीं आ रही मुझे। मैंने भी वैसा ही किया, उसके सर से हेलमेट उतार लिया और अपने सर पे पहन लिया। तभी एक जोर की धमक हुई, नहीं पता क्या हुआ, आंखें अस्पताल में खुली। जब आंखें खुली तो देखा मेरे ठीक सामने वो बैठी थी। जो देखा वो देख के यकीन नहीं कर पा रहा था, यकीन मानो दोस्तों उसके शरीर के आर पार देख पा रहा था। मतलब वहां पे वो नहीं बैठी थी, उसकी सोल बैठी हुई थी जो मेरा वेट कर रही थी उठने का। जब आंखें खुली तो देखा मेरे ठीक सामने वो बैठी थी। जो देखा वो देख के यकीन नहीं कर पा रहा था, यकीन मानो दोस्तों उसके शरीर के आर पार देख पा रहा था। तभी साथ पड़ी अखबार के पहले ही पन्ने पे अपनी ही फोटो देख के नजर मेरी उस पे पड़ी। लिखा था, बाइक का एक्सीडेंट, एक घायल, एक की मृत्यु हुई। समझ गया कि वो घायल शायद नहीं था, पर वो कौन था जिसकी मृत्यु हुई। समझा नहीं पा रहा था खुद को कि मेरी मोहब्बत अब नहीं है। तभी नीचे देखा तो लिखा था कि एक्सीडेंट की वजह ब्रेक फेल रही। तब समझ मुझे आने लगा, सर चक्कर सा मेरा खाने लगा कि क्या थी वो वजह हेलमेट मुझे पहनाने की। वो जानती थी कि बाइक के ब्रेक फेल है, इसलिए वो हेलमेट मुझे पहना दिया। मेरे लिए हंसते हंसते वो चली गई और शायद मुझे उसका गुनहगार बना दिया।